Redmi 7A लॉन्च होगा और ये 10 बजट फोन को टक्कर देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और वो कौन कौन से 10 फोन है जिसे ये टक्कर देगा। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं ना माशिद गोपाल, ये जो फोन है वो अंडर 8000 रुपीज में लॉन्च होगा रेडमी 7A और ये जो फोन है वो 10 फोन को टक्कर देगा। वो 10 फोन कौन कौन से, पहले तो आपको रियलमी C2, सैमसंग गैलेक्सी A10, सैमसंग गैलेक्सी M10, रियलमी C2, नोकिया 3.2, ओप्पो A1, शॉमी रेडमी 6, शॉमी रेडमी गो, ऑनर 9 लाइट और रियलमी 3, ये सारे फोन हैं जिसको वो टक्कर देगा। टोटल मिला के वैसे 10 एंड्रॉयड फोन है, लेकिन और भी काफ़ी सारे बजट फोन है मार्केट में जिसे ये टक्कर देगा, लेकिन मेन है ये जो 10 फोन जो कि अभी मार्केट में चल रहे हैं और इसके आने के बाद कोई एक अच्छा खासा टक्कर देगा। तो रेडमी 7A होने वाला है 2GB रैम और 16GB इंटरनल, वो 5500 का होगा। और रेडमी 7A 2GB रैम और 32GB इंटरनल वो आपको पड़ेगा 6000 रुपीज़ का। ओके, तो ये काफ़ी बजट में है और इसका जो मेन वो रैम पे फोकस नहीं है, बस आपका जो इंटरनल स्टोरेज सिर्फ उसी को ही इंक्रीज़ किया है। 5.45 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, यानी डिस्प्ले का क्वालिटी है इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जहाँ तक बात करें इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का, तो 439 का प्रोसेसर होगा, इसमें आपको 4000mAh का बैटरी मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट में आपको 4000mAh का बैटरी काफ़ी बड़ी बात है, और ओवरऑल बोला जाए तो इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी चीज़ दे रहा है। बस ये है कि इसमें PUBG चलेगा, लेकिन काफ़ी लो सेटिंग्स में। यूज़ कर सकते हैं थ्रू मेमोरी कार्ड 256GB तक, और इस फोन में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आज पता चल जाएंगे, और बाकी जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशीष गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।